हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं कि आज की जो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि अभी ग्रेजुएशन में है, पोस्ट ग्रेजुएशन में या फिर पीएचडी कर रहे हैं। बिकॉज ज्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो एज एन जो टीचर बनना चाहते हैं, जो बीएड करते हैं या फिर टीचिंग लाइक यूजीसी नेट करने के बाद प्रोफेसर बनते हैं। तो अगर हम इनका डेटा देखें तो आप इस चीज को ऑब्जर्व करेंगे खुद भी कि यहाँ पर जो जो ज्यादातर कैंडिडेट हैं वो फीमेल्स हैं। बिकॉज ज्यादातर टीचिंग में फीमेल्स आती है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि मेल्स नहीं करते हैं टीचिंग में, खुद एज ए टीचर पढ़ा रहा हूँ काफी टाइम से, बट एज ए फीमेल ज्यादा स्टूडेंट्स होते हैं। तो इन बातों को ध्यान में रखते हुए यूजीसी ने एक यहाँ पर नोटिस जारी किया। इस नोटिस का जो लिंक है मैं आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है और इसकी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट थी, तो मैं दिखा देता हूँ नोटिस क्या है गाइस। ये जो नोटिस है दैट इज सब्जेक्ट टू लीव टू वुमेन स्टूडेंट्स। दिस इज द मैटरनिटी लीव है जो कि अगर आप एज ए ग्रेजुएशन में हो, ये जरूरी नहीं कि आप एमफिल या पीएचडी ही कर रहे हो। अगर आप ग्रेजुएशन में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो या फिर आप एमफिल या पीएचडी कर रहे हो अभी एट प्रेजेंट, तो ऐसे में आपको मैटरनिटी लीव मिल जाएगी और यहां पर आपको हर चीज में रिलैक्सेशन दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि गाइज यहां पर आप देख सकते हैं दैट इज द वुमेन कैंडिडेट मे बी प्रोवाइडेड मैटरनिटी लीव, चाइल्ड केयर लीव वंस इन द एंटायर ड्यूरेशन ऑफ एमफिल पीएचडी फॉर द फॉर अप टू 240 डेज। अगर आप एमफिल या पीएचडी में हो तो 240 दिन तक का आपको जो है यहाँ पर एज एन छूट मिल जाती है अपने एग्जाम देने में, अपना रिसर्च पेपर सबमिट करने में या जो भी अदर आपको काम रहते हैं उनमें आपको छूट मिल जाएगी। इसके अलावा गाइस यहाँ पर एक चीज और बोली गई है दैट इज अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स के लिए भी बात की गई है। देखो आप देख सकते हैं दैट वुमेन स्टूडेंट्स इनरोल इन देयर रिस्पेक्टिव इंस्टीट्यूशंस अफिलिएटेड कॉलेजेस एंड ऑल्सो प्रोवाइड ऑल रिलैक्सेशन एग्जम्पशन रिलेटिंग टू अटेंडेंस। यहाँ पर अटेंडेंस में आपको रिलैक्सेशन दी जाएगी, एक्सटेंशन इन द डेट फॉर सबमिटिंग एग्जामिनेशन फॉर्म इसमें भी रिलैक्सेशन मिलेगा, और एनी अदर फैसिलिटी डीम्ड नेसेसरी फॉर वुमेन स्टूडेंट्स परसुइंग अंडर ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट प्रोग्राम। तो आप देख सकते हैं कि इन सभी स्टूडेंट्स को, जितने भी आप फीमेल कैंडिडेट्स हैं, सभी को रिलैक्सेशन दिया जाएगा। अगर आप मेटर्निटी लीव लेना चाहते हो तो आप ले सकते हैं गाइस। यहाँ पे आपको अब इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा। पहले क्या होता था, प्रॉब्लम हो जाती थी, आप एज इन मेटर्निटी लीव नहीं ले पाते थे लंबे ड्यूरेशन तक, लेकिन अब क्या है 240 डेज का यहाँ पर एमफिल पीएचडी में कर दिया गया है। और साथ ही कॉलेज और यूनिवर्सिटीज को बोला गया है कि भाई आप अपने ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बच्चों के बारे में भी सोचें और उनको भी इन बातों में एक तरीके से एक्सटेंशन दें डेट का लेकर के, फिर एग्जम्पशन दें कुछ चीजों को लेकर के, जिससे कि वो इन चीजों को अच्छे से हैंडल कर सके। सो गाइज वीडियो कैसे लगी बताना मुझे कमेंट करके, और आपको कोई डाउट है तो पूछ लेना। मैं इसका जो लिंक है आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा ताकि आप खुद भी इस चीज को एक बार गो थ्रू कर लें। और गाइज एक चीज और, इस न्यूज को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना बिकॉज जितने भी फीमेल स्टूडेंट्स हैं सभी के लिए अच्छी बात है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है शादी हो जाती है ग्रेजुएशन करते करते या पोस्ट ग्रेजुएशन करते करते, तो आपकी पढ़ाई में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आराम से पढ़ाई कर सकते हो। अगर आप एज ए मैटरनिटी लीव चाहते हो शादी के बाद 6 महीने बाद 1 साल बाद, तो वो भी आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि जितने भी फीमेल कैंडिडेट हैं सबको पता चले कि हाँ ऐसा भी कोई रूल आया है यूजीसी की तरफ से। ठीक है गाइस, तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।